दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की वैकेंसी आ रही है JSW ग्रुप की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट है काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है। ये वैकेंसी डिप्लोमा बीई बीटेक स्टूडेंट्स के लिए हमारी आ रही है। गाइस इसकी आप लोगों को अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी वैकेंसी की, तो यहाँ पर जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट है इंजीनियर की रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। गाइस जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है ये रिक्रूटमेंट जिंदल स्टील मतलब जो कोल माइन एंड पावर के अंदर वर्क करता है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट आप लोगों की फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो सभी के लिए आ रही है। डिप्लोमा हो या बीई बीटेक हो या फिर आईटीआई हो हमारे अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर की रिक्रूटमेंट रहेगी। और साथ ही गाइस आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। बाकी आपको यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग सर्च करेंगे और आप लोगों को डिप्लोमा इंजीनियर वालों की वैकेंसी सर्च होकर आएगी। तो सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है गाइस लेटेस्ट है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 18 फरवरी को ये पोस्ट आउट की गई है, ये 17 फरवरी को पोस्ट आउट की गई है, साथ ही ये 15 फरवरी की है। तो गाइस आप लोग लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट आ रही है उनमें ज़रूर अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ सबसे पहले आप लोग की शिफ्ट इंजीनियर की है जो एनर्जी सेक्टर में वर्क करता है डिपार्टमेंट, आप लोगों की कर्नाटका विजयनगर और ये कई सारी आप लोगों की लोकेशन मिल जाएंगी ऑल इंडिया में। बाकी देखिए यहाँ आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल जीरो ईयर एक्सपीरियंस अप्लाई करेंगे और एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग पोस्ट निकाली गई है। तो गाइस यहाँ आप लोगों की ऐसे ही नेक्स्ट आप लोग वैकेंसी देखेंगे, तो जो नेक्स्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी इंजीनियर की देखने के लिए मिलेगी, ट्रेनिंग वालों के लिए देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ नेक्स्ट की जो कोल मिल है, ये कोल की तरफ से आ रही है। जो कोल मिल होता है आप लोगों का कोल वैकेंसी होती है उसकी तरफ से ये वैकेंसी आ रही है, ये फ्रेशर वालों के लिए। यहाँ डिप्लोमा बीई बीटेक आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए शिफ्ट इंजीनियर ये सभी दोनों हमारी एनर्जी मैनेजमेंट मतलब एनर्जी सेक्टर की तरफ से आ रही है, तो इन सभी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों की लेटेस्ट 18 फरवरी 17 फरवरी 16 फरवरी को निकाली गई है, तो आप लोग ऑलमोस्ट 15 फरवरी तक की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है और आप लोग ऑल ब्रांच एलिजिबल हैं। और साथ ही गाइस आप लोगों को ये खुद देखना होगा, जैसे फाइनेंस सेक्टर है तो यहाँ पर आप लोगों को और ये देखना होगा कि आप फाइनेंस से रिलेवेंट क्वालिफिकेशन किए हैं या नहीं तभी अप्लाई करें। अगर आप कोल मिल में हैं तो कोल मिल में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल हमारे टेक्निकल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट रहते हैं, एनर्जी सेक्टर में है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल एंड अदर ब्रांच भी आप लोगों की एलिजिबल रहती हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। बाकी आप लोगों को मैं कुछ यहाँ पर ग्रेजुएट वालों की वैकेंसी बता देती हूँ। तो यहाँ गाइस आप लोगों को सर्च करना है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। तो गाइस यहाँ आप लोगों को ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग सर्च करने के बाद इस तरीके से डालेंगे तो ऑलमोस्ट जो हमारी कंबाइंड मतलब जो कॉमन होगी जैसे डिप्लोमा वालों के लिए भी वही है और ग्रेजुएट वालों के लिए भी वही है, तो वो कुछ जॉब वैकेंसी सेम निकल कर आ जाएंगी लेकिन कुछ आप लोगों की अलग भी रहेंगी। तो आप लोग इनके लिए अप्लाई करेंगे, जैसे देखिए ये हमारी दोनों के लिए थी डिप्लोमा और ग्रेजुएट, ये भी हमारे दोनों के लिए है लेकिन ये सिर्फ ग्रेजुएट वालों के लिए जो शिफ्ट इंजीनियर लॉजिस्टिक में है। इसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर की ये ओनली ऑन स्टील मेटलिंग शॉप आप लोगों के रहती है, ये ओनली ग्रेजुएट वालों के लिए है। ब्लास्ट फर्नेस ये ओनली ग्रेजुएट के लिए है। तो ये कुछ आप लोगों की न्यू वैकेंसी है। अब चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों का एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस देखिए यहाँ देख लीजिए, इसमें देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरीके से आप लोग चेकआउट कर लेंगे अदर वैकेंसीज को, अगर किसी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और उसमें हमारे फ्रेशर भी हैं तो आप लोग फ्रेशर भी अप्लाई करेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ डिप्लोमा और बीई बीटेक वालों की और भी वैकेंसी दिखा देती हूँ। तो गाइज ये नेक्स्ट वैकेंसी है, ये इंजीनियर ब्लास्ट फर्नेस में आ रही है। यहाँ पर आप लोगों का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 4 से 6 साल तक का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। पोजीशन इंजीनियर की रहेगी, डिपार्टमेंट आप लोग का ब्लास्ट फर्नेस रहने वाला है। और गाइज यहाँ आप लोग का उड़ीसा का लोकेशन रहेगा, तो लोकेशन आप लोगों का ऑलमोस्ट चेंज होता रहता है। बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ आपका 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो डिप्लोमा बीई बीटेक अप्लाई करेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई है, कंपनी के बारे में आपको ब्यौरा देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है सभी वैकेंसीज को देखिए। अप्लाई करने के लिए आप सभी को अप्लाई फॉर दिस जॉब इसी तरीके से ओपन करके अप्लाई करना है, अप्लाई इस पे करेंगे फॉर्म ओपन होगा और इसे अप्लाई कर देना है। ये नेक्स्ट वैकेंसी है जिंदल स्टील पावर की तरफ से, ये भी हमारा JSW का ही ग्रुप है जो एडमिन की वैकेंसी आ रही है। यहाँ आप लोगों की ग्रेजुएट स्टूडेंट एलिजिबल है, बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, परमानेंट वैकेंसी रहेगी। गाइस अगर आप लोगों को कोई भी स्किल आती है जैसे यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस में बैचलर डिग्री में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है या फिर मशीन एंड टूल में आप लोगों को कोई भी नॉलेज है लाइक कोई भी लैंग्वेज आती है इस तरीके की HTML XML ये लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की,
तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ से अप्लाई करना होगा, तो ये चीज़ याद रखें, आप लोगों का naukri.com आप पे पहले से ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये नेक्स्ट आप लोग का रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट मैनेजर की। यहाँ 6 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है डिप्टी मैनेजर की। इसमें भी आप लोगों का ऑलमोस्ट देख सकते हैं सैलरी 6 लाख से 18 लाख तक रहेगा। और अगर जो कैंडिडेट हमारे इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसके लिए एलिजिबल है, तो वो ये दिए गए नंबर पर अपना जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन करके आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर हमारे बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल साथ ही टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई करेंगे। अप्लाई आपको यहाँ से करना है, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।